चलिए तो सीधे चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक है बाबू फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ अ क्यूब, यानी आज जो हम लोग फैक्टराइजेशंस करेंगे बाबू वो क्यूब का फैक्टराइजेशंस करेंगे। किसका करेंगे? क्यूब का करेंगे। और वो क्यूब किस फॉर्म में होगा? या तो एज अ सम यानी एडिशंस के फॉर्म में होगा, या फिर एज अ डिफरेंस यानी कहने का मतलब सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में होगा। यानी किस फॉर्म में होगा? तो इस फॉर्म में होगा, आपको इस तरह से दे देगा। यानी देखो ये क्यूब का फॉर्म दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस फॉर्म में होगा। देखो ये सम के फॉर्म में है कि नहीं है, यानी इस तरह का क्या रहेगा आपका एक्सप्रेशन रहेगा या कोई पॉलिनोमियल रहेगा। इसको आपको क्या करना होगा? फैक्टराइजेशन करना होगा, यानी इसको फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो कैसे करते हैं? तो आप सभी को ये फॉर्मूले के टाइप में दिख रहा होगा, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि जब कोई चीज़ इस तरह होती है यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? यानी ये देखो किसी किसी किताब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखता है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, एक सेट आइडेंटिटी होती है। वो क्या होती है बाबू? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है ये x प्लस वाई, क्या होती है बाबू? x प्लस वाई एंड इन सेकेंड ब्रैकेट क्या होती है बाबू? क्या आपको पता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी देखिए, अब ये देखिए इस तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को देखो एज अ फैक्टर हम लोग लिख ले रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? कैसे लिख रहे हैं? ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ये कहाँ से है? ये ऑलरेडी क्या है? पॉलिनोमियल प्रूव्ड है। हम लोग को प्रूव करना नहीं है, सीधे क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है, यानी फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। देखो इस चीज को हमने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया? यानी जब भी कोई भी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन हमें फैक्टराइजेशन करने को मिलेगा और वो क्यूबिक हो और एज अ डिफरेंस और सम के फॉर्म में हो तो उसको ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है? उसको ऐसे फैक्टराइज करने के लिए अगर कभी क्या होता है कि डायरेक्टली इस तरह का फॉर्म नहीं देखता है, तो पहले इस तरह के फॉर्म में बाबू हम लोग उसको सेट करेंगे। और जब इस तरह के फॉर्म में सेट हो जाएगा तो उसको कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे, यानी एज अ फैक्टर के फॉर्म में उसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये फैक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक फैक्टर, दो फैक्टर और बीच में प्रोडक्ट है, यानी ये क्या है? 100% फैक्टर के फॉर्म में है। तो चलिए एक सबसे बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्या हो गया? एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ये मैंने बताया ये क्या एज अ सम के रूप में हो गया और डिफरेंस के रूप में भी सेम ऐसे ही होता है क्या? यानी कोई भी क्या होगा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा? क्यूबिक के फॉर्म में रहेगा, और क्यूबिक के फॉर्म में भी कैसे रहेगा? एज अ सम या फिर एज अ डिफरेंस रहेगा। उसको क्या कहेगा बाबू? क्या फैक्टराइज करो। तो आपको पता है यानी उसको किस रूप में लाएंगे? तो इसका क्या है? एक सीधा सेट आइडेंटिटी है, क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है बाबू? ए माइनस बी और ब्रेकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी का मतलब यहाँ एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ बुक में ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब करके दिया, यहाँ पे दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब करो तो यहाँ ए जहाँ पे जो एक्स वाई है वहाँ पे ए बी हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो चलिए, यानी इस पैटर्न पे दिया रहेगा और उसको एज अ फैक्टर हम लोग ऐसे लिखेंगे, या इस पैटर्न में नहीं दिया रहेगा तो इस पैटर्न पे हम लोग सेट करेंगे। जब इस पैटर्न पे सेट कर सकते हैं तो एज अ फैक्टर हम लोग ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपसे। जो पहला क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करने को आएगा वो ये है, कैसे दे देगा? ऐसे लिख देगा, कहेगा फैक्टराइज यानी फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखिए। फैक्टराइज का मतलब यही होता है किसको भैया? तो 16 to the power 4 plus 54a। अब यहाँ पे आपने कहोगे कि अरे सर आपने तो कहा था क्यूबिक के फॉर्म में होगा और तब फैक्टराइजन करेंगे, यानी उसको फैक्टर फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ तो क्यूबिक के फॉर्म में दिख नहीं रहा, तो मैंने ये भी कहा है कि अगर इस फॉर्म में नहीं दिखता है और अगर इस फॉर्म में लाने की पॉसिबिलिटीज है कि इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, तो पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे। जब ये चीज़ ये वाली चीज़ इस फॉर्म में हो सकती है तो फिर एज इट इज़ ऐसे उसको लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? वो अलग बात है कि यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ 16 है, 16a to the power 4 है, यहाँ वाई क्यूब है तो यहाँ 54a है, तो उसी के हिसाब से इसको रख लेंगे, इसी पैटर्न पर सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको कैसा फॉर्म बनाएंगे बाबू? तो पहले इस तरह का फॉर्म बनाएंगे, कैसे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में इसको सेट करेंगे। चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे? यही छोटी सी लॉजिक है, छोटा सा मतलब बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्या कॉमन बाहर निकालने कि बाद में चल के इस फॉर्म में सेट हो जाए। किस फॉर्म में? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में। जब इस फॉर्म में सेट हो जाएगा तो इसको एज अ फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए सेट करते हैं। तो यहां देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है बाबू? इन दोनों में कॉमन ए है, और साथ ही क्या है? तो देखो इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 16 का भी फैक्टर 2 होता है और 54 का भी फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। तो चलिए इतना कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालता हूँ, 2 लिया a लिया। जब 2a बाहर निकाल लोगे तो इसमें बचेगा क्या? तुमको पता है 8 और क्या बचाएगा? a क्यूब बच जाएगा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो फिर से हो जाएगा 28 या 16 a क्यूब into a, तो क्या बन जाएगा? a का पावर 4। ये प्लस था, प्लस रखा।
अब इसमें से हमने 2 निकाल लिया तो यहां बचेगा क्या भाई 27, क्योंकि 27 2 जा क्या होता है 54 होता है, और हमने क्या निकाल लिया a, और यहां था a यानी a के था और a के हमने निकाल लिया, बाहर निकाल लिया एज ए कॉमन, तो सिर्फ बचेगा क्या यहां पे 27 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको गौर से देखो, तो अब इसको चाहो तो तुम क्यूब के फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसी फॉर्म में हमको पहले सेट करना है ताकि इसको इस फॉर्म में कर लेंगे तो एज ए फैक्टर ऐसे हम लोग लिख लें। तो चलिए इसको सेट करते हैं, तो 2a तो हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। अब इसको देखो 8a क्यूब को क्या लिख सकते हो, 8a क्यूब को ये लिख सकते हैं 2a इंटू 2a इंटू 2a क्या होता है 8a क्यूब होगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा 2a इंटू 2a इंटू 2a करेंगे तो 8 क्यूब होगा, 8a क्यूब होगा, यानी कहने का मतलब है 2a का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 8a क्यूब आ जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, यानी 8a क्यूब कैसे आएगा, जब आप 2a का होल क्यूब कर दोगे तो 8a क्यूब हो जाएगा, यानी इसको 8a क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर ये 27 किसका होल क्यूब होता है भैया, हमको होल क्यूब में चेंज करना ना, देखो ये क्यूब के फॉर्म में चेंज करना है, यानी इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना था तो मैं वही बना रहा हूँ, ठीक है, यानी क्यूब के एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो 27 पता है, देखो 27 क्या हो सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27 होता है, यानी 3 का क्यूब करने पे क्या आ सकता है 27, यानी इसको भी यानी वाई वाले को जो यहाँ पे 27 है एज अ वाई 27 है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं इसको क्यूब के फॉर्म में सेट कर सकते हैं कैसे, तो 3 का होल क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखो अगर देखा जाए इसको अगर ए मानते हैं और इसको b मानते हैं तो और बीच में प्लस है, तो देखो a प्लस b a a a ये हो गया ये b हो गया, अब a के ऊपर यहां पे देखो a 2a को a मान रहे हो तो इसके ऊपर क्यूब है तो यानी इस पे भी क्यूब लगेगा, b को यानी 3 को b मान रहे हो तो b के 3 के ऊपर क्यूब है तो यानी क्या होगा b के ऊपर भी क्यूब होगा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में सेट हो गया। जब a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में ये वाला सेट हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब के फॉर्म में सेट हो गया, कैसे x क्यूब प्लस y क्यूब के फॉर्म में सेट हो गया, हम बार बार a बोल रहे हैं, आप a की जगह x भी मान सकते हो, तो देखो ये x ले लिया, अब ये देखो किसको x लिया 2a को, अब 2a पे क्या है क्यूब है यानी x पे भी क्यूब होगा, ये प्लस था प्लस लिखा, अब 3 को क्या मान लो y 3 के ऊपर क्या है क्यूब है यानी y के ऊपर भी क्यूब होगा, यानी किस पैटर्न पे सेट हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब पे सेट हो गया, तो इसको एज अ फैक्टर x + y x² - xy + y² हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, और जब लिख लेंगे तो ये क्या हो गया एज अ फैक्टर सेट हो गया, यानी इसका फैक्टराइजेशन हम लोग ने कर लिया। तो चलिए लिखते हैं, ये 2a तो मैंने कॉमन निकाला था, 2a क्या क्या था बाबू पहले से कॉमन निकाला था, ये 2a लिख लिया, अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब यानी x क्यूब प्लस y क्यूब पे सेट हो रहा है, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब पे सेट हो रहा है, तो एज अ फैक्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y, यानी x यहाँ पे क्या था 2a था तो ये हमने लिख लिया 2a, y यहाँ पे क्या था बाबू 3 था ये हमने लिख लिया 3, यानी क्या हो गया x प्लस y हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है भैया x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का मतलब क्या 2a का स्क्वायर, जब 2a का स्क्वायर करोगे तो 2a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2a into 2a, 2a into 2a, यानी 2a into 2a क्या आ जाएगा 2 जब 4 है 2a क्या आ जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया a स्क्वायर हो गया माइनस ab है, ये माइनस रखा यानी xy है माइनस xy है, तो xy कौन कौन है, ये x माना था 2a को y इसको माना था, ठीक है, तो जब 2a into 3 करेंगे क्या बाबू, जब 2a into 3 यानी x into y करेंगे, यानी x हमने 2a माना था y हमने 3 माना था, तो यहाँ क्या करना था हमें xy करना था, तो इसको xy के रूप में लिखोगे 2a into 3 को तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 a into a हो जाएगा, यानी 6a हो गया। अब फाइनली लास्ट में क्या बचा हमारा भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ये वाई माना था 3 को तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर कर दो y इज इक्वल टू 3 तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना y इज इक्वल टू 3 लिए तो यानी y का स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे यानी हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया देखो, अब यहां से देखो क्या करोगे, अब यहां से सिंपली ब्रैकेट को खोल लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2a 2a प्लस 3 और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ये आपका क्या हो गया बाबू एज अ फैक्टर ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन था कौन 16a टू द पावर 4 54a को हमने एज अ फैक्टर यानी क्या कर लिया लिख दिया, यानी हमने इसका क्या कर दिया बाबू फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन करने पे आंसर आपका जो आ रहा है आपके सामने ही है, क्या आ रहा है आंसर आपका तो 2a 2 टाइम्स ऑफ 2a 2a प्लस 3 और इन नेक्स्ट ब्रैकेट 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ये आपका क्या हो गया सबसे पहला जो होता है एज अ सम और एज अ डिफरेंस ऑफ ए एज अ सम और डिफरेंस ऑफ ए क्यूब का फैक्टराइजेशन, मैंने पहला वाला टाइप आपका मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी देखिए ये तो बिल्कुल इजी वाला था तो हम लोगों ने आराम से कर लिया, लेकिन इजी वाला अगर ना होकर थोड़ा सा अगर टफ कर दे ट्विस्ट कर दे तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम होती है, तो जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है जैसे खास करके रूट वाले तो उसको करते हैं। अगर मान लो कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल और क्यूबिक के फॉर्म में हो लेकिन रूट में हो तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे वो चलिए सीखते हैं। तो एक बार फिर से मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ,
फॉर्मूला क्या था बाबू, एक्स प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है बाबू, आप फिर से याद रख लो, एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में कर लो, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये मैंने लिख दिया। और आपको पता होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला या बराबर क्या लिख सकते हो आप, तो एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में, और क्या होगा सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई, ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसी फॉर्मूले पर हम लोग को सेट करना होता है जब ऐसे कोई फैक्टर, ऐसे जब कोई एक्सप्रेशन या पॉलीनोमियल देता है तो एज अ फैक्टर हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको नेक्स्ट का जो नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है वो इस तरह आपसे कह सकता है फैक्टराइजेशन करने, कहेगा फैक्टराइज, अब फैक्टराइज किसको करना है ये देख लीजिए, फैक्टराइज ए क्यूब माइनस टू रूट टू बी क्यूब। अब ए क्यूब या बी क्यूब के फॉर्म में ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रूट है और इस रूट को देख के हम सभी क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम हम लोग को होना शुरू हो जाती है। बट यकीन मानो इसको अच्छे से आप देखो, ये बिल्कुल मैं इजी एकदम इजी वे से बिल्कुल आसानी तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ को डीपली समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और आप लोग एक बार ये पूरी वीडियो देख लिए तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो क्यूबिक फॉर्म में होता है एज ए डिफरेंस और एज ए डिफरेंस और एज ए सम, उस वाले पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको। अब ये देखिए टू रूट टू कैसे आता है ये देख लीजिए, अगर बाबू सपोज करो रूट टू करें तो ये क्या आएगा, आपको पता है जब अंदर सेम नंबर हो यानी कांस्टेंट सेम हो उसके ऊपर रूट है तो यानी टू टाइम्स रूट करने पे क्या होता है वो रूट हट जाता है, यानी रूट टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू करने पे बाबू टू हो जाएगा और ये बच जाएगा एक रूट बच जाएगा, ये देखो ये दोनों को किया रूट टू करोगे तो क्या आएगा टू आएगा और ये वाला भी रूट टू बचा है यानी टू इंटू रूट टू हो गया। अब इस टू इंटू रूट टू को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बाबू टू रूट टू आएगा, आएगा ना, यानी इस टू रूट टू देखो यहाँ पे क्या दिया है टू रूट टू दिया है, यानी इस टू रूट टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये रूट टू इंटू रूट टू यानी रूट टू का मतलब क्या हुआ रूट टू का होल क्यूब। अरे यार थ्री टाइम्स रूट टू क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको कैसे लिख सकते हो, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो रूट टू का होल क्यूब कर सकते हैं, यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं रूट टू का होल क्यूब लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बाबू रूट टू का होल क्यूब, चलिए लिख लेते हैं ए क्यूब ये क्या है माइनस टू रूट टू है, टू रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, मैंने बताया टू रूट टू को, ये देखो रूट टू तब आ जाता है क्या टू रूट टू, यानी रूट टू क्या है रूट टू का होल क्यूब है, ये यानी इस चीज को ऐसे लिख लेंगे, यानी इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं इस चीज को ऐसे, तो ये हो गया रूट टू का होल क्यूब हो गया, और ऑलरेडी क्या दिया है यहाँ पे बी का क्यूब दिया है, यहाँ पे किसका दिया है बी का क्यूब दे दिया। अब ये देखो एक यहाँ पे इसका भी क्यूब है तो क्या कर लो क्यूब दोनों क्या है कॉमन कर लो, यानी ये हो गया ए क्यूब, ये माइनस हो गया, ये रूट टू हो गया, ये बी हो गया, अब होल क्यूब कर लो, क्या कर लिया मैंने होल क्यूब कर लिया, बात समझ में आ रही होगी, और ए का भी क्या कर लो होल क्यूब कर लो। अब ये क्या सेट हो गया, ये मान लो ये ए क्यूब को क्या कर लो एक्स, ए को क्या कर लो एक्स मान लो, और रूट टू बी को क्या मान लो वाई मान लो, बीच में क्या था बाबू माइनस है तो माइनस लगा लो। अब यहाँ पे देखो जिसको हमने एक्स माना है यानी जिसको हमने एक्स माना वो किसको माना ए को, ए के ऊपर क्या है क्यूब है तो एक्स के ऊपर भी क्यूब लगा लो, यहाँ जिसको हमने वाई माना वो क्या है बाबू रूट टू बी है और रूट टू बी के ऊपर क्या है क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब लगा लो। अब ये देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कहने का मतलब है जो ये वाला हमारा है एज ए डिफरेंस के फॉर्म में जो क्यूब होता है एज ए डिफरेंस ऑफ ए क्यूब होता है उस फॉर्म में हमने उन्होंने क्या कर दिया इस वाले क्वेश्चंस को जिसको फैक्टराइज करना था हमने सेट कर दिया। जब इस तरह से हमने सेट कर दिया तो एज ए फैक्टर इस तरह से लिख सकते हैं, यहां हमारा एक्स की जगह ए है, यहां वाई की जगह हमारा क्या है रूट टू बी है, और आ रहा है ये पैटर्न या फॉर्मूला किस पे सेट हो रहा है, किस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में सेट हो जा रहा है। तो चलिए इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में जब सेट हो गया है तो इसको कैसे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं एज अ फैक्टर, और एज अ फैक्टर लिखना ही क्या कहलाता है फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो चलिए करते हैं, अब एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स किसको माना भैया ए को, तो लो ए लिख लिया, माइनस है तो माइनस रख लिया, वाई यहाँ किसको माना है रूट टू बी को बी लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज तो ब्रैकेट हमने भी क्लोज कर लिया। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या करना है एक्स स्क्वायर, एक्स किसको माना ए को, इसका स्क्वायर करना यानी ए का स्क्वायर करना, ए का स्क्वायर कर लिया, प्लस है प्लस लिख लिया। अब कह रहा है एक्स वाई करना है, यानी कहने का मतलब है एक्स को और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्स यहाँ पे क्या है ए है, चलो ए लिख लिया, किस वाई से क्या करना मल्टीप्लाई करना है, वाई यहाँ पे क्या है रूट टू बी है, वाई यहाँ पे क्या है रूट टू बी है, रूट टू बी लिख लिया। अब कह रहा है प्लस वाई स्क्वायर, क्या बाबू प्लस वाई स्क्वायर, वाई हमने किसको माना रूट टू बी को, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, चलो रूट टू बी का स्क्वायर कर लिया, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया, हमने क्या कर लिया इस ब्रैकेट को
क्लोज कर लिया, ठीक है, हमने क्लोज कर लिया। अब क्या करेंगे भैया, अब इसको सिंपली हल्का सा सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ये क्या था, पहले ब्रैकेट में कुछ नहीं करेंगे, a माइनस रूट टू बी है तो ये लिख लिया। अब तुमको पता है a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो रूट टू ए बी तो क्या हो जाएगा, ये देखो जो वेरिएबल होता है वेरिएबल मल्टीप्लाई a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, रूट टू का रूट टू रहेगा यानी रूट टू ए बी हो गया। अब क्या होगा बाबू, आपको पता है ये रूट टू बी का मतलब क्या हुआ, रूट टू बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये रूट टू बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है रूट टू बी आपस में। देखो ये इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो मैंने बताया था b को b में मल्टीप्लाई कर लो, रूट टू को रूट टू में मल्टीप्लाई करो, जब रूट टू को रूट टू में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, b को b में मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट टू बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट आप आराम से क्लोज कर लीजिए। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, यानी एज अ फैक्टर हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको लिख लिया, यानी इसका ये फैक्टराइजेशन, इस वाले का फैक्टराइजेशन का आंसर ये होगा आपका, यानी एज अ फैक्टर हमने क्या कर लिया, इसको कर लिया, यानी इसका फैक्टराइज कर लिया, किसका, ए क्यूब माइनस रूट टू, ए क्यूब माइनस टू रूट टू का, टू रूट टू बी क्यूब का मैंने क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया। तो आंसर में क्या आया बाबू, आंसर में आप देख लीजिए, आंसर में आपका क्या आ रहा है, तो आंसर में आ रहा है इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन फर्स्ट ब्रैकेट आपका आ रहा है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस रूट टू बी आ रहा है प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं, ये क्या था, ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि नेक्स्ट टाइप का कह लो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको पता ही है मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ टाइप्स के कराता हूँ ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाए। तो चलिए आप अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है एज अ क्यूबिक फॉर्म या क्यूबिक फॉर्म में एज अ डिफरेंस और एज अ सम, वो किस तरह का क्वेश्चन होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए, यकीन मानिए आप आराम से यहाँ पे देखो, आपको कोई क्वेश्चंस अब आगे से अगर इस लेक्चर्स को पूरा देख लिया तो आपको क्यूबिक के फॉर्म में कोई भी अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हो और उसे कहे फैक्टराइज करने को तो आप आसानी से कर लोगे। बस आप देखते जाओ, सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको दे देगा ऐसे करने को, कहेगा फैक्टराइज कीजिए, क्या कीजिए बाबू, फैक्टराइज कीजिए। सॉरी मैंने यहाँ पे आपके फॉर्मूले को भी इरेज कर दिया है, बट होप सो कि आप लोग को याद होगा, नहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैं उसे दोबारा लिख लूँगा। अच्छा फैक्टराइज किसको कह रहा है करने को भैया, कह रहा है कि आप ए क्यूब प्लस प्लस 0.008 का क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, यानी फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इसको हम लोग को देखो एक क्यूबिक के फॉर्म में दिख रहा है, एक नॉन क्यूबिक के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको भी क्यूबिक के फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में, क्यूबिक के फॉर्म में, यानी कहने का मतलब है इसको यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे, ताकि इसको कैसे सेट किया जा सके, एक्स प्लस वाई ऐसे करके ऐसे एज अ फैक्टर लिख लें, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में सेट करके और इसको एज अ फैक्टर ऐसे लिख लें। इसी वजह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एक क्यूब के फॉर्म में, इसको भी क्यूब के फॉर्म में सेट करेंगे। तो क्या मल्टीप्लाई करें, या थ्री टाइम्स या एज अ क्यूब का मतलब क्या हो, थ्री टाइम कोई चीज सेम नंबर मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए। तो ये देखो अगर 0.2 को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करो, देखो 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो कितना आएगा, देखो 0.22 जब 4, अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद आए, तो एक दो, दो डिजिट के बाद है, तो यहाँ जीरो लगा के दो डिजिट लगा लिए, लेकिन हमें कितना, ये क्यूब कह रहा है, क्या क्यूब, क्यूब का मतलब होता है सेम नंबर थ्री टाइम मल्टीप्लाई, तो देखो दो बार मल्टीप्लाई किया, जब यही चीज़ को दो बार की जगह तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो यानी टू आई, देखो 0.2 इंटू 0.2 कितना आ गया, 0.04 आ गया। अभी एक बार और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.2 से, लो फिर से करते हैं, जब करोगे इससे तो 2 4 8 हो जाएगा और 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये देखिए पॉइंट राइट साइड से काउंट करते हैं, एक दो, दो डिजिट के बाद ऊपर वाले में है, एक एक डिजिट के बाद नीचे वाले में है, यानी 2 + 1 = 3, यानी तीन डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो भैया एक दो डिजिट है, तो चलिए एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, एक जीरो क्या कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, यानी ये लगा दिया। तो देखो अगर हम 0.2 को तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.2 को तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 0.008 आ रहा है, यानी सेम यही चीज आ जा रहा है, यानी 0.2 का अगर हम लोग क्यूब करें, 0.2 थ्री टाइम मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, यानी 0.2 का हम लोग क्यूब करें, यानी 0.2 को बहुत लोग क्या लिखते हैं, 0.2 लिखते हैं, जीरो की तो कोई मतलब है नहीं शुरू में, तो 0.2 लिख लो, अगर 0.2 का होल क्यूब करते हैं तो बाबू हमारा क्या आ जाता है, 0.008 आ जाता है, यानी 0.008 को 0.2 का होल क्यूब, यानी 0.2 का होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस
0.2 का होल क्यूब। अब ये देखिए सेट हो गया हमारा किसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में जब सेट हो गया, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में सेट हो गया तो उसको एज अ फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में देख लीजिए, ये ए को मान लीजिए एक्स, y को मान 0.2 को मान लीजिए y, अब a को जिसको a को माना x उसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी हम लोग क्या लगा लेंगे क्यूब, बीच में प्लस है प्लस भी लगा लिया, और 0.2 है 0.2 को y माना है, y 0.2 के ऊपर क्यूब है तो y के ऊपर भी क्यूब लगा लीजिए। देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब के फॉर्म में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब x क्यूब प्लस y क्यूब के फॉर्म में यानी दैट मींस दैट कि ये क्या हो रहा है कि एज अ क्यूब, ये क्या हो रहा है क्यूब एज अ क्या सम के रूप में सेट हो जा रहा है, यानी एज अ सेट हो जा रहा है तो इसको एज अ फैक्टर ऐसे लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, बस यही करना है फैक्टराइजेशन में, एज अ फैक्टर का फॉर्म में लिख लेना होता है, तो ये एज अ फैक्टर ही तो दिख रहा है ना आपको। चलिए तो यहाँ पहले क्या करना है, x प्लस वाई लिखना है पहले ब्रैकेट में, तो चलिए x प्लस वाई, यहाँ x क्या है भैया, x किसको माना था a, तो a ले लिया, प्लस है तो प्लस लिख लिया, y y किसको माना था 0.2 को माना था 0.2 ले लिया, ये हो गया x प्लस वाई। इन नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करना है, x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब x किसको माना था a, और x का क्या करना है स्क्वायर करना, यानी क्या करेंगे a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर तो a ही स्क्वायर होता है, फिर क्या है माइनस है तो लो माइनस रख लिया। अब कह रहा है एक्स वाई करना, यानी एक्स वाई का मतलब क्या एक्स इंटू वाई, यानी दोनों टर्म्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पहला टर्म्स क्या है एक्स के रूप में ए है और वाई के रूप में दूसरा टर्म्स क्या है 0.2 है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाई ए कर लो या ए मल्टीप्लाई बाई 0.2 लिखो, दोनों बात बराबर है, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो 6 ही आएगा, यानी बात बराबर है, यानी 0.2 लिखो चाहे 0.2 × a लिखो चाहे a इंटू 0.2 लिखो बात बराबर। अब क्या करेंगे, हो गया माइनस एक्स वाई की छुट्टी कर दिया हम लोगों ने, अब प्लस है तो प्लस लिख लिया, y स्क्वायर करना है, यहां y किसको माना था 0.2 का, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो चलिए 0.2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 0.2 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, 0.2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 0.2 को दो बार मल्टीप्लाई करना है 0.2 को, यहाँ देखिए ये 0.2 का मतलब क्या होता है 0.2 का मतलब क्या 0.2, जब हम लोगों ने 0.2 को मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया है एज अ रिजल्ट क्या आया है एज अ प्रोडक्ट क्या आया है देखो तो 0.04 आया है, क्या है देखो 2 × 4 और 2 × 0 = 0, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद है तो राइट साइड से देखते हैं, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, 1 + 1 दो, यानी दो डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना, देखो एक डिजिट दो डिजिट, दो डिजिट के बाद यहाँ पे हमने क्या पॉइंट लगा लिया, यहां मन करे तो 0 लगाओ ना मन करे तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो ये रख लिया 0.04 आ गया, ठीक है अब हो गया ये आपका फाइनल आंसर, यहां पे थोड़े से और इसको सही तरीके से लिखना है तो लिख लीजिए, आ गया आंसर, बस हल्का सा इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 0.2 फर्स्ट ब्रैकेट में था, ये a स्क्वायर था, ये जब 0.2 इंटू a करोगे तो यही आएगा 0.2 a ही आ जाएगा, यानी 0.2 a ही आ जाएगा, प्लस 0.04 हो गया ये आपका आंसर, यानी आपने क्या किया इस वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को एज अ, यानी क्या किया एज अ क्यूब, यानी क्या एज अ क्यूब क्या क्या एज अ सम ऑफ क्यूब के फॉर्म में सेट किया, और जब ऐसे सेट हो गया तो इस चीज को आपको पता है कि a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब को कैसे लिख सकते हो एज अ फैक्टर, तो x प्लस यानी x क्यूब प्लस y क्यूब को कैसे एज अ फैक्टर लिख सकते हो, तो x कैसे लिख सकते हो भैया, तो x प्लस y इन फर्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x y प्लस y स्क्वायर इन सेकंड ब्रैकेट, इसी पैटर्न पे हमने किया पहले इसको ऐसा सेट करके और इसी चीज को इसी पैटर्न पे हमने इस वाले को सेट करके आपके आंसर निकाल लिए, तो ये आपके हो गया फैक्टराइजेशन, इस वाले का फैक्टराइजेशन जब मैंने किया किसका इस वाले का a³ + 0.2 का होल क्यूब का, ये फैक्टराइजेशन का ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, होप सो कि ये भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यार मैं यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम करने, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ और सीधे टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ, मुझे पता है मेरे से ज़्यादा आपका टाइम कीमती है, ठीक है तो इसी वजह से मैं ज़्यादा फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करता और सीधे मैं क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक तरह के क्वेश्चन आप भी कर लोगे, अगर एक मैं बता दूँ तो आपके पास आज अगर नाउअडेज देखा जाए तो हम लोग के कंपैरिजन तुम लोग की अच्छी मतलब कि क्या होती है ब्रेन की कैपेसिटी होती है, तो इसी वजह से जब आपके पास मेरे से ज़्यादा कैलिबर है तो मैं टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप विदाउट टेकिंग एनी फ्रॉम एनी वेयर हेल्प आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व, तो इसी वजह से मैं टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूँ कि उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या बुक में दिखे तो आप फटाक से सॉल्व कर लो, आपको ट्यूशन कोचिंग इधर उधर झांकने ताकने की कोई जरूरत ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं चलिए वो लेते हैं, आपको इस टाइप के दे देगा क्यूब के फॉर्म में, इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा फैक्टराइज करने को, तो ये फैक्टराइज मैंने लिखा ही है तो क्या फैक्टराइज करना भैया, तो ऐसे दे देगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब।
अब क्या देगा भाई साहब कि इसको फैक्टराइज करो, यानी क्या क्या फैक्टराइज कर दो, यानी इसको फैक्टराइज का मतलब हो गया कि इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो। तो ये देखो, अगर सपोज करो a प्लस बी को हम लोग क्या मान लें, x मान लें, क्या मान लें बाबू x, और a माइनस बी को क्या मान लें, y मान लें। तो देखो x के, यानी जिसको x माना है उसके ऊपर क्या है, क्यूब है, यानी x का भी क्या कर लेंगे, होल क्यूब कर लेंगे। जिसको a माइनस बी को, यानी जिसको हमने क्या माना, y माना है, तो a माइनस बी के ऊपर क्या है, होल क्यूब है, तो y के ऊपर भी होल क्यूब कर लेंगे। अब बीच में क्या था बाबू, साइन माइनस का था, तो ये किसका पैटर्न फिर से किस पैटर्न पर सेट हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में सेट हो गया। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप सभी को तो याद ही होगा क्या होता है, चलिए एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बाबू, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखते हो, ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कहने का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है फॉर्म। तो जब इस फॉर्म में ये सेट हो गया आपका क्वेश्चन, तो इस फॉर्म में एज अ फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है, x माइनस वाई के रूप में लिखना है, तो चलिए x माइनस वाई के रूप में हम लोग पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। या x किसको माना था, a प्लस बी को माना था, x किसको माना था, a प्लस बी को, तो a प्लस बी लिख लिया। पहले क्या करना था, x प्लस वाई लिखना था, x माइनस वाई लिखना था, तो ये हमने एज अ x क्या लिख लिया, a प्लस बी लिख लिया, माइनस है माइनस लगा लिया, y किसको माना था, a माइनस बी को, लो भैया a माइनस बी लिख लिया, हो गया। ये आपका क्या हो गया, पहला क्लोज हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट में लेते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में पहले क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, क्या करना है भैया, एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स किसको माना था, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर कर लिया। फिर क्या है, प्लस लिखा, कह रहा है एक्स वाई, यानी एक्स इंटू वाई करना है, यानी एक्स यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी था, लो ए प्लस बी लिख लिया, ये एज एक्स हमने माना था, लिख लिया एक्स, और वाई क्या माना था, ए माइनस बी, दोनों को क्या करना था भैया, एक्स वाई यानी मल्टीप्लाई करना था, लो यहाँ भी हमने क्या कर लिया, ए प्लस बी माइनस बी को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी ये क्या है, ही एक्स वाई है, देखो ये एक्स था, मल्टीप्लाई, यानी कोई ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना होता, यानी मल्टीप्लाई होता है, ये क्या माना था, वाई, देखो एक्स वाई हो गया कि नहीं, एक्स इंटू वाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब लास्ट वाला क्या टर्म्स था हमारा, वाई स्क्वायर, या वाई किसको माना था, ए माइनस बी को, इसका क्या करना भैया, स्क्वायर करना, यानी होल स्क्वायर कर दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो गया। अब इसको सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी था, चलिए इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए प्लस बी हो गया, ये माइनस खोलोगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस बी हो गया, ये हो गया। इसको चलिए सॉल्व करिए, आप सभी को याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बच्चों का खेल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर कर लिया, प्लस बी स्क्वायर कर लिया, प्लस टू टाइम्स ए बी, प्लस टू टाइम्स ए बी कर लिया, ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। ये ब्रैकेट में क्या था भैया, एक ब्रैकेट में देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, मैंने पिछली लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, 50 बार बता चुका हूँ कि ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी एज अ फैक्टर जो दिख रहा है, ये किस इसको और क्या लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जब ए प्लस बी ए माइनस बी दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, चलिए ये भी लिख लिया। अब क्या बचा बाबू, ये लास्ट वाला, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सभी फॉर्म सबको फॉर्मूला याद है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब यहाँ से क्या करेंगे जनाब, यहाँ से जो क्या होगा, सेम नंबर हो बट अपोजिट साइन में हो, यानी सेम क्वांटिटी हो बट साइन की अपोजिट हो, तो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखो ये प्लस टू ए बी है, माइनस टू ए बी है, बात समझ में आ रहा है, यानी प्लस टू ए बी है, ये माइनस टू ए बी है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ सेम हो बट साइन अपोजिट हो तो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। अब आते हैं, अब क्या और सेम है, ये देखो ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा भैया, ए स्क्वायर बचा, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बचा, फिर ये ए स्क्वायर बचा, फिर बी स्क्वायर बचा, इसके अलावा और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो जो कैंसिल होना था कर दिया। अब इस वाले ब्रैकेट में आ जाइए, इसमें देखिए यहाँ ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब सेम वैल्यू और साइन अपोजिट होती है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ प्लस बी, यहाँ प्लस बी, एक बी को प्लस बी, यानी एक बी को एक बी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, चलिए टू भी लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है भैया, क्या बचा था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर में एक ए स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाए, दो ए स्क्वायर, फिर करा एक ए स्क्वायर और जोड़ो, यानी दो, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी तीन ए स्क्वायर को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा,
थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दो ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर में एक एक स्क्वायर और जोड़ोगे, ए स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया थ्री ए स्क्वायर। तो यानी ये मेरा कंप्लीट, ये मेरा कंप्लीट, ये मेरा कंप्लीट। अब बचा क्या भैया, बी स्क्वायर बचा। क्या बचा भाई साहब, बी स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख लिया बी स्क्वायर। अब बताइए अब और कुछ करेंगे। देखिए ये क्या हो गया एज अ फैक्टर, यानी हम लोग ने इसका क्या कर लिया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज किया तो क्या आंसर आया, यानी एज अ फैक्टर क्या आया, टू बी। क्या आ रहा है बाबू, तो हमारा आंसर आ रहा है टू बी प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये आपके क्या था, टाइप का एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक टाइप का क्वेश्चन था जिसको फैक्टराइजेशन करने को बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यार हमेशा टाइप के क्वेश्चन बनाओ और उसी को प्रैक्टिस करो। एक तरह के क्वेश्चंस रेलने से अच्छा है कि आप टाइप के क्वेश्चंस करो, फिर आपको कंपटीशन से लेके एग्जाम और बोर्ड एग्जाम या किसी भी तरह के एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइप्स के क्वेश्चंस बनाइए, कम समय में आप ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स गेन करोगे। चलो ठीक है, तो टाइप्स के क्वेश्चन कहते हुए भी एक तरह, चलो एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं लेता हूँ। वो भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको दे देगा क्या, फैक्टराइज, यानी फैक्टराइज कीजिए, यानी फैक्टर के फॉर्म में चेंज कीजिए। किसको भैया, तो इसको। ये है एक्स, क्या बाबू, x माइनस एट एक्स वाई क्यूब, एट एक्स वाई क्यूब का करा है, फैक्टराइज कीजिए। तो चूंकि अभी तो हम लोग को पता है कि भैया सर क्या करा रहे हैं, क्यूब के फॉर्म वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं। क्यूब के फॉर्म वाले कैसे, तो एज ए सम और डिफरेंस के फॉर्म में रह रहा है, और एज ए सम और डिफरेंस का, यानी एज ए सम के फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होता है ये, तो यानी इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी फैक्टर के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ तो हम लोग को डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा, बट वहाँ पे प्रैक्टिस किए रहोगे यहाँ पे, तब वहाँ पे आप एग्जाम में समझ पाओगे कि इसको कैसे करना है, इसको क्यूब के फॉर्म में सेट करना है कि स्क्वायर के फॉर्म में सेट करना है, कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सेट करना है, कि ग्रुपिंग में करना है, कि डायरेक्ट मेथड से होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, जब टाइप्स के क्वेश्चन लगाओगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिक आप खुद ब खुद समझ जाओगे, आप खुद ब खुद आपकी कलम उसी राह पे चलना स्टार्ट कर देगी। तो इसी वजह से मैं हर लेक्चर में, यानी कहने का मतलब है, मैं हर जो भी मेरी जो वीडियोस में बना रहा हूँ, हर टाइप के हर वीडियोस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बना रहा हूँ, अलग अलग जो टॉपिक हैं उससे उठा के कोई फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बना रहा हूँ, ताकि आप सारे मेरे जो वीडियोस हैं फैक्टराइजेशन पे वो आप देख लो, तो आपके सारे टॉपिक क्या हो जाए, कवर्ड हो जाए फैक्टराइजेशन के। ठीक है, तो चलिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब इसको क्या करना है, ए क्यूब, ये बीच में माइनस है, और ये क्या है, एट एक्स वाई क्यूब है, यानी इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में सेट करना होगा, क्योंकि बीच में वाई है, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मतलब क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बात दोनों सेम है। ठीक है, वेरिएबल का कोई मतलब तो होता नहीं है, बस वो एज ए साइन या उसे एज ए सिंबल उससे क्या होता है, डिनोट किया जाता है। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में सेट कर लेते हैं। किस फॉर्म में भैया, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एज अ फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज अ फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं। यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही होता है एक्स माइनस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी जब ऐसे सेट हो जाएगा तो ऐसे आसानी से हम लोग लिख लेंगे। चलिए इसको ऐसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन निकाल लो, क्योंकि और कोई चारा नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको, मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बाबू आप डायरेक्टली देख के बता दोगे कि हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू के या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के फॉर्म में सेट हो रहा है, तो तुम फिर वो फॉर्मूला लगा दोगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन सेकंड ब्रैकेट। बट क्या होता है, कभी कभी नहीं दिखता, तो कभी कभी नहीं दिखता इसका मतलब नहीं कि वो एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब या ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में नहीं सेट होगा, ऐसा नहीं है। उसी के लिए तो थोड़ी सी हमें क्या लगाना, दिमाग लगाना होता है, ट्रिक लगाना होता है। तो देखो ये x को क्या लिख दें, रूट में भी लिखोगे, रूट का रूट एक्स क्यूब करोगे तो भी देखो ये क्या हो जाएगा, ये चीज नहीं आएगा। रूट एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स तीन टाइम्स मल्टीप्लाई, जब रूट एक्स को तीन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अंदर सब एक्स एक्स सेम है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर क्या बचा, ये वाला भी एक्स रूट एक्स बचा है, तो एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, जब एक्स इंटू रूट एक्स कर दोगे तो एक्स रूट एक्स आ जाएगा। यानी जो एक्स रूट एक्स आ रहा है ये चीज थोड़ी ना आ रहा है, ये तो एक्स है, यहाँ पे एक्स रूट एक्स आ रहा है, यानी डायरेक्टली हम रूट एक्स का क्यूब नहीं कर सकते। ऐसे ही डायरेक्टली एक्स का क्यूब करोगे तो एक्स थोड़ी ना आएगा, एक्स का क्यूब करोगे तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, यानी फिर से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, एक्स होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, तो करेंगे क्या, तो कुछ ना कुछ इन दोनों में देखो, फिर देखेंगे क्या कि कॉमन क्या है इन दोनों में। तो देखो यहाँ पे देखो, इस वाले टर्म में देखो एक्स है, इस वाले टर्म में देखो तो क्या है, एट एक्स वाई क्यूब है, यानी माइनस एट एक्स वाई क्यूब है। तीन में देखो, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन निकाल लो, लो एक्स को कॉमन निकाल लिया,
तो बचेगा क्या बाबू यहाँ पे 1, यहाँ क्या बचेगा माइनस 8y³ बचेगा, क्या बचेगा बाबू माइनस 8y³। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो 1 का क्यूब जितना 1 का क्यूब करो या 1 की कितनी भी पावर कर लो वो रहेगा 1, यानी 1 का क्यूब क्या होता है 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और जब 1 को 100 बार मल्टीप्लाई करो तो भी क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी 1 का क्यूब करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 ही आएगा, ये माइनस का माइनस हो गया। अब इसको क्यूबिक क्यूब के फॉर्म में सेट करना है किसको 8y³ को, तो 8y³ को देखो कैसे सेट कर सकते हो, 2y का होल क्यूब करोगे तो 8y³ हो जाएगा, कैसे 2y का होल क्यूब का मतलब क्या होगा 2y × 2y × 2y, अब 2y * देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो 2 2 4 4 2 8 y² 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 y³ 8y³ हो जा रहा है यानी 2y³ किसके बराबर है 8y³ के बराबर है जब 2y³ 8y³ के बराबर है तो 2y³ हम लोग यहां पे लिख लेंगे यानी 2y का होल क्यूब कर लेंगे। ये हो गया। अब देखो इसको सपोज कर लो x है, इसको मान लो y है, बीच में क्या साइन है, अब x जिसको मान रहे हो वो 1 है, 1 के क्या ऊपर है होल क्यूब है, यानी x के ऊपर भी क्यूब लगा लो, y जिसको मान रहे हो क्या है 2y है, 2y का क्या है यहाँ पे होल क्यूब है, y के ऊपर भी होल क्यूब लगा लो। अब देखो ये x³ माइनस y³ के फॉर्म में सेट हो गया कि नहीं बाबू, ये अंदर वाली चीज है सेट हो गया, जब x³ माइनस y³ के फॉर्म में सेट हो गया तो जब इस फॉर्म में हो गया तो इसको एज अ फैक्टर इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, और इस तरह लिखना ही क्या कहलाता है फैक्टराइजेशन कहलाता है, यानी फैक्टर के फॉर्म में लिखना कहलाता है। तो चलिए कर लेते हैं इसको फटाक से, ये खटाक से इसको इरेज कर दिया क्योंकि जगह बड़ी कम है यार यहाँ पे। अब चलिए इसको सेट कर लेते हैं x³ माइनस y³ के जो फॉर्मूला था उस रूप में लिख लेते हैं, ये x बाहर ऑलरेडी पहले से था तो मैंने रख लिया x। अब देखिए x³ माइनस y³ क्या होता है, पहले ब्रैकेट में x माइनस y होता है, यहाँ x की जगह 1 लिया था 1 रखेंगे, y की जगह यहाँ पे क्या लिया था 2y लिया था तो माइनस 2y लिख लिया। सेकेंड ब्रैकेट में क्या करेंगे भैया x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। अब क्या है प्लस एक्स वाई है, तो ये प्लस लिखा एक्स वाई मतलब x और y में मल्टीप्लाई करना है, तो जब 1 × 2y करोगे, जब 1 × 2y करोगे तो क्या आएगा 2y ही आएगा, तो ये 2y लिख लिया, प्लस था तो प्लस लगा दिया, y का स्क्वायर यानी y की जगह हमने यहाँ पे क्या माना 2y, यानी 2y का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, जब बाबू आप 2y का होल स्क्वायर करोगे इसका मतलब क्या होता है 2y 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जब 2y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो 2 2 = 4 और y² यानी 2y का, यानी y² का मतलब हो गया 2y का होल स्क्वायर करना, 2y का जब होल स्क्वायर कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है 4y² आ जा रहा है। अब ये यहाँ पे आप गौर से देखो तो ये आपका क्या हो गया एज अ फैक्टर सेट हो गया, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही किसी टर्म को क्या कहलाता है फैक्टर के फॉर्म में लिखना होता है, यानी फाइनली योर आंसर विल बिकम x × 1 − 2y इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 + 2y + 4y² इज योर फाइनल आंसर। होप्स हो के आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो आंसर ग्रुप में क्या आ गया x − (1 − 2y) × (1 − 2y) एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 + 2y + 4² इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किया है या आपने अच्छे से उस पर प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो क्वेश्चन आपसे फिर होने वाला भी नहीं एग्जाम में, ये एग्जाम में एक अलग प्रेशर होता है, एक तो कम समय जल्दी करना ठीक है और सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ, वो क्वेश्चंस काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है बात समझ में आ रही है। तो क्या है आपको फैक्टराइज करने को क्या दे देगा, भैया कहेगा फैक्टराइज कीजिए किसको, तो देखिएगा बड़ा ध्यान से देखिएगा a³ + 3a² b + 3ab² + 3ab² + b³ - 8। अब ये आपको दे दिया, ये क्या है आपका एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, किस तरह का पॉलिनोमियल भाई साहब, तो क्यूबिक ही दिख रहा है ठीक है क्यूबिक ही है। अब आपको कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं बनाए तो आपसे कभी होने भी नहीं जा रहे ये क्वेश्चन, और यकीन मानो जितना इंपॉर्टेंट है जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही ज्यादा ये आसान भी है, बस एक बार देख लोगे और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे काम तमाम, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब एक फॉर्मूला आप बहुत पहले पढ़े होगे या अभी पढ़ते होगे, ये 8 क्लास से आ रहा है 7-8 क्लास से आने लगते हैं सारे फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज, वो किसके फॉर्मूला होता है, वो होता है बाबू a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बाबू ये देख लीजिए, वो होता है यानी x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है x³ + y³ यानी a³ + b³ + 3ab का मतलब यहाँ पे क्या xy लिया ab की जगह तो प्लस xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा a³ + b³ + 3ab यानी xy हो गया।
फिर क्या होता है ब्रैकेट में a प्लस बी यानी ब्रैकेट में x प्लस वाई। मैं दो चीज बोल रहा हूँ, किसी बुक में a प्लस बी का होल क्यूब देता है, किसी ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल क्यूब देता है, बात वही है। जब x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब जब इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखोगे अभी आपको ये चीज एकदम सेम दिखेगी। ये चीज क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये क्या 3 इंटू एक्स वाई करोगे क्या हो जाएगा 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिखा। फिर थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा सॉल्व करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy में x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, तो देखो x में x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x2y दिख गया। फिर प्लस था ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस 3y 3y हो जाएगा। अच्छा 3 इसके साथ एक्स वाई भी है, तो देखो 3 और x इसमें x तो नहीं, तो x ऐसे लिख लो y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये दिख रहा है। अब आप आइएगा इसको अगर फिर से रिसेट करता हूं, मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा सा रिसेट करता हूं, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो देखिएगा बिल्कुल यही फॉर्म पे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए ए क्यूब है तो देखिए ए क्यूब लिख लिया। अब यहां पे देखिए यहां एक्स क्यूब है, इसकी जगह ए क्यूब है। अब इस बी वाले क्यूब को पहले लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो आएगा 5 ही, बात समझ में आ रही है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो इसको पहले लिखते हैं, तो देखो ये प्लस बी क्यूब है तो ये लिख लिया प्लस बी क्यूब। अच्छा यहाँ प्लस बी क्यूब लिख लिया, इसको मान लो वाई क्यूब हो गया, दिख रहा है, होप सो कि दिख रहा होगा आप लोगों को। अब आते हैं ये लिखा है प्लस 3x2y। अब यहाँ पे क्या करो, क्या करो ये वाले को रख लो, तो ये देखो लिखा प्लस 3a2b। अब यहाँ पे देखो एक्स की जगह हमारा क्या था, ए था, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो रहा है, और y की जगह हमने क्या लिया था b, देखो यहाँ y की जगह यहाँ b है, देखो हाई बिल्कुल है। ऐसे ही इसको देखो, इस वाले को लिखो 3ab2। तो हमने जो हमारा a था वो यहाँ पे x आ रहा है, यानी जो a क्यूब है यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा a, जिसको मैंने a देख रहा हूँ जहाँ पे हमारा सेट हो रहा है वहाँ पे x क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पे देखो देखो x की जगह हमारा a आ ही रहा है और बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब है ये पूरा यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल डिट्टो इस वाले फॉर्म पे सेट हो रहा है, और इस वाले फॉर्म को अगर जब इस वाले फॉर्म पे यानी इस वाले फॉर्मूले पे सेट हो रहा है तो ये फॉर्मूला किसका है, इसका है, x प्लस वाई का होल क्यूब है। यानी सपोज करो अगर a को हम x माने और b को y माने तो बिल्कुल डिट्टो इस चीज को इसी इसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये चीज इसमें ये वाली चीज में कन्वर्ट हो सकती है तो ये फॉर्मूला किसका है, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है। यानी जब इस वाली चीज को ऐसा लिख सकते हैं तो इस वाली चीज को भी इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, क्यों लिख लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्या हो रहा है, जो x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है, जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x2 प्लस 3xy2 के फॉर्मूले पे बिल्कुल एज इट इज क्या हो रहा है, परफेक्ट सेट हो रहा है। जब इसको परफेक्ट एज अ सेट कर सकते हैं तो एज अ शॉर्ट फॉर्म या एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी एज अ फैक्टर के फॉर्म में x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में। तो x यहाँ पे क्या है हमारा a है, तो लो a लिख लिया, प्लस है तो प्लस लिखा, y हमारा यहाँ पे क्या है एज अ y देखो तो b है तो b लिख लिया, यानी क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब ये यहाँ तक तो हम लोग ने इसको सेट कर लिया, क्या कर लिया बाबू, सेट कर लिया, ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब इतनी चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी ये यहां से यहां तक की चीजों को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि बिल्कुल ये जो यहां तक का एक्सप्रेशन है इस टाइप में आ रहा है, जब इस टाइप में आ रहा था इस चीज को ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो ना, यानी इसी चीज का तो क्या है, ये क्या है फॉर्म है या एक्सप्रेशन है, यानी एज अ प्रोडक्ट इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज के, इस पॉइंट में मेरे को इसी का फॉर्मूला है तो इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं। तो लिख लो, चलिए लिखते हैं, x प्लस वाई का मतलब हो गया यहाँ पे a, x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x की जगह a लिए थे और y की जगह क्या लिए थे, b लिए थे, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब बचा क्या, -8, तो यहाँ -8 लिख लिया। अब क्या करेंगे भैया, अब देखो 8 किसका क्यूब होता है, देखो 8 किसका होल क्यूब करो तो आ जाए 8 किसका होल क्यूब करे, तो देखो 2 का होल क्यूब करने का मतलब क्या हुआ, 2 3 times multiply, जब 2 का होल क्यूब करोगे 3 times multiply करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी 2 का होल क्यूब की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 8, यानी 8 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब ऑलरेडी हम लोगों ने सेट कर लिया है, किस फॉर्मूले के बेस पे, तो इस वाले x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूले के बेस पे। अब इसको क्या कर सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब, माइनस था तो माइनस रख लिया। अब यह अगेन देखो, अगर हम इसको क्या माने, x माने, इस वाले a प्लस बी को x मान लो और 2 को क्या मान लो, y मान लो, तो जब यहाँ जिसको x किसको मान रहे हो, a प्लस बी को, इसके ऊपर क्यूब है तो x के ऊपर भी क्यूब लगा लो, बीच में माइनस है बीच में माइनस लगा लिया। अब यहाँ हम लोग ने 2 को क्या माना, y माना, 2 के ऊपर क्या क्यूब है तो y के ऊपर भी हम लोग क्या कर ले, क्यूब लगा ले।
अब फिर से देखो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूला में सेट हो गया। किसके फॉर्मूला में सेट हो गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूला में सेट हो गया। यानी कहने का मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसको एज अ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी जब इस फॉर्म में सेट हो गया है तो एज अ फैक्टर इस फॉर्म में लिख लेंगे, और एज अ फैक्टर ही तो लिखना है, फैक्टराइज का मतलब ही क्या होता है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना। तो चलिए जब इस फॉर्म में ये सेट हो गया तो एज अ फैक्टर इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ x माइनस वाई है, x हमने यहाँ किसको माना, a प्लस बी को माना है, तो यहाँ लिखा a प्लस बी। लो अब माइनस वाई है, माइनस वाई तो माइनस लिखा, y किसको माना, 2 को, ये लिख लिया 2, इस ब्रैकेट को क्लोज। अब सेकेंड ब्रैकेट में चलते हैं, पहले क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स किसको माने हो, ए प्लस बी को माने हो, और उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या बाबू कह रहा है क्या, प्लस एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई, तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ एक्स क्या माना था, ए प्लस बी माना था, तो लो ए प्लस बी लिख लिया, x माना था इंटू वाई, यहाँ वाई क्या माना था, तो 2 माना था, तो हमने 2 लगा लिया, ठीक है। अब क्या है लास्ट में प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने y क्या माना था बाबू, यहाँ पे 2 माना था, तो y का क्या करना है, स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका एज अ फैक्टर सेट हो गया। देखो ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, यानी एज अ फैक्टर, यानी जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे, किसका भैया, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया था विच हैज बीन इरेज्ड हियर, तो उस क्वेश्चन ये हियर इट इज सॉरी यहाँ पे है, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो एज अ फैक्टर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली, बात समझ में आ रहा ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली एज अ फैक्टर के रूप में, क्या, तो इन फर्स्ट ब्रैकेट आएगा a प्लस बी माइनस टू, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इस 2 को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोग यहां लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ अलग है वो कुछ अलग है, दोनों बात सेम है, दोनों बात सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी आंसर क्या आ गया, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम a प्लस बी प्लस 4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी क्या किया, जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, जो क्वेश्चन क्या था बाबू हमारा दिया हुआ था, हमने क्या कर लिया, एज अ फैक्टर उसको इस तरह लिख लिया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देखना, यकीन मानो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वो क्वेश्चन कौन सा है, चलिए करते हैं उसको, वो भी एक टाइप में आता है, वो भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं क्लास 9 में, मैं उतने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे करा देता हूँ, समझा देता हूँ, और होप्स हो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा समझ में तो यकीन मानो, अगर आपने ये पूरी लेक्चर हर फैक्टराइजेशन की देख रहे हो तो इसके बाद आपको और कहीं किसी किताब या किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल यहाँ से समझ के और उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप आराम से खुद ब खुद बना लोगे, बहुत टफ कोई चीज़ नहीं होती, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करो, उसको फॉलो करो और बेसिक्स अपने मजबूत करो, आप ऑटोमेटिक क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दोगे और इंटरेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा है बाबू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दे देगा, कहेगा कि ये क्या फैक्टराइज करना, क्या है फैक्टराइज, यानी फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना है। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं, किसको फैक्टराइज करना है, इसको करना है, ये ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस टू ए माइनस टू ए प्लस टू बाई ए प्लस टू बाई ए, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है इसको आपको फैक्टराइज करना है, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, दो टर्म्स हमारे क्यूब के फॉर्म में है, और बीच में क्या है माइनस प्लस सम है, माइनस है प्लस है, यानी एज अ सम और डिफरेंस के फॉर्म में भी दिख रहा है और क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, तो यही वाला एज अ सम और डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और क्यूब है ये, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं ये समझिएगा, बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार बच्चे हमेशा इसको गलत कर देते हैं जो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए, लेकिन यकीन मानो ये बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे लास्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट बट सबसे आसान। तो देखो ये करोगे क्या, अब इसमें कोई भी कॉमन निकालना चाहो तो आप नहीं निकाल सकते हो, अगर इसमें से ए निकालोगे कॉमन तो यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, अच्छा टू निकालो, टू इनमें समय से कॉमन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू, यहाँ तो कॉमन निकल जाए, यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे नहीं है, यानी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, चारों टर्म को एक साथ लेके आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो भैया चारों नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, और जिसको ग्रुपिंग मेथड बढ़िया से समझना है तो पिछली लेक्चर मेरी देख सकता है, पिछली वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने अपने प्लेलिस्ट में वो डाला हुआ है, फैक्टराइजेशन का सेकेंड पार्ट आई थिंक सो वो है, सेकेंड और या थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये तो अभी फोर्थ पार्ट चल रहा है फैक्टराइजेशन का, यानी तो चलिए इसको करते करते कैसे हैं? आप क्या कर लो, जब कॉमन नहीं तो ग्रुपिंग कर लो, देखो ये एक जैसे दिख रहे हैं एक जैसे कर लो, क्योंकि ए क्यूब वाला इनको एक साथ कर लो, ग्रुपिंग कर लिया, चलो ग्रुप के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये पहला ग्रुप ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब,
ये पहला ग्रुप हो गया, माइनस था माइनस रखा, जब माइनस बाहर एज अ कॉमन रखोगे तो अंदर ये हो जाएगा माइनस टू ए से प्लस टू ए हो जाएगा, ये प्लस टू बाई ए से क्या हो जाएगा माइनस टू बाई ए हो जाएगा। यहाँ तक कर लिया ना, यहाँ तक कर लिया। अब इसको क्या करेंगे बाबू, अब इसको कैसे क्या करोगे कि ये एकदम हो जाए। अब आपको पता है ये जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, ए क्यूब और ये क्या वन बाई ए क्यूब। अगर सपोज कर लो ए क्यूब को हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लें, ए को हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लें, और वन बाई ए को क्या मान लें, वाई मान लें। तो ए के ऊपर क्या है, होल क्यूब है यानी क्यूब है, तो ए इक्वल टू एक्स माने तो एक्स के ऊपर भी क्या होगा, होल क्यूब लगा लो यानी क्यूब लगा लो। वैसे ही वन बाई ए को क्या माना आपने, वाई माना, वन बाई ए के ऊपर क्या है, क्यूब है, तो वाई के ऊपर भी क्या लगा लो, क्यूब। अब बीच में क्या था माइनस, तो ये देखो ये वाला जो दो फैक्टर है जो टर्म्स हैं उनको जो टर्म्स हैं इनको क्या कैसे सेट कर, कैसे सेट हो जा रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है। जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है तो यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता क्या है, एक्स माइनस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन सेकंड ब्रैकेट। तो चलिए जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में सेट हो रहा है तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, लिखना कहलाता है, और फैक्टराइज तो करना ही था, फैक्टराइज का भी मतलब होता है कि आप फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, यहाँ पे x किसको लिया था, a को लिया था, a लिख लिया। y किसको भैया लिया है, यहाँ पे x माइनस वाई तो माइनस लगाया, y यहाँ पे किसको लिया, वन बाई ए को लिया है तो वन बाई ए लिख लिया, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या करना है जनाब, सेकेंड ब्रैकेट में हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, एक्स किसको लिया था, ए यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस है, प्लस एक्स वाई का मतलब क्या, एक्स इंटू वाई यानी ए इंटू वन बाई ए करना होगा, क्या करना होगा, ए इंटू वन बाई ए, लो लिख लिया ए इंटू वन बाई ए कर लिया। एक्स ये माना था, वाई तो एक्स वाई था तो एक्स वाई कर लिया, प्लस था तो प्लस लगा लिया। फिर क्या है, प्लस तो प्लस लगा, वाई स्क्वायर, वाई किसको माना था, वन बाई ए को, तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वन बाई ए का स्क्वायर यानी वन बाई ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये कर लिया। और ये चीज़ क्या था, ऑलरेडी दी हुई थी, ऑलरेडी क्वेश्चन में था, तो इसको लिख लेते हैं, माइनस 2a माइनस टू बाई ए, ये हमने क्या कर लिया, कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से भी आप चाहो इस वाले को भी देखोगे, इसमें से भी 2 2 दोनों में कॉमन है तो इसमें से आप कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चंस क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करना है तो इसको कर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, आ गया है, ये क्या आ गया है, वन बाई ए, ए माइनस वन बाई ए। और ये क्या है भैया, यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, ए स्क्वायर। अब ये प्लस था, प्लस लिखा, वन है तो वन लिख लिया, प्लस वन बाई ए स्क्वायर, ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है बाबू, दोनों में टू कॉमन दिख रहा है, टू बाहर निकाल लो, क्या कर लें, टू बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, ए माइनस वन बाई ए। ये देखिए अभी मेरा पहले क्या था, चार टर्म्स थे इसके अंदर, अब यहाँ पे आप देखिए तो कितने टर्म्स हो गए, ये देखिए ये एक टर्म्स, ये दूसरा टर्म्स, यानी चार टर्म्स को दो टर्म्स में चेंज कर लिया। अब दो टर्म्स को सिंगल टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे, देखो अब इन दोनों में देखो, ये पहला टर्म और ये दूसरे टर्म में देखो, ए वन ए इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस वन बाई ए, और इसमें भी आ रहा है ए माइनस वन बाई ए, यानी इन दोनों टर्म्स में, ये वाला टर्म्स और इस वाले टर्म्स में कॉमन क्या है, ए माइनस वन बाई ए इज द कॉमन। तो ए माइनस वन बाई ए जब कॉमन है तो उन दोनों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए ए माइनस वन बाई ए को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने a माइनस वन बाई ए, हमने एज अ कॉमन बाहर निकाल लिया। जब इसमें से a माइनस वन बाई ए कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, ये तो खत्म हो गया, ये बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई ए स्क्वायर बचेगा, इसको लिख लिया। अब इसमें से क्या निकाल दिया, इन दोनों में दो टर्म से एक दो, इसमें से भी कॉमन हम लोगों ने क्या निकाला, इन दोनों में से ए माइनस वन बाई ए निकाला, तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ टू बचेगा, क्या सिर्फ टू, इसके साथ साइन क्या थी माइनस की, तो माइनस टू, ये आपका हो गया। अब इसको सिंपली क्या कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करो या यहाँ तक भी करके छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये भी आपका आंसर आ गया। बट इससे भी एक स्टेप आगे करना चाहो तो बस ब्रैकेट ओपन कर लो और कुछ नहीं होगा। तो चलिए वो भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं, बाकी आपके आंसर आ गए। यानी एज अ फैक्टर हमने क्या कर दिया, लिख दिया, एज अ फैक्टर लिखने का मतलब क्या, दो टर्म क्या हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में, देखो ये वाला और ये वाले के बीच में क्या है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट के फॉर्म में दो टर्म्स को लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना कहलाता है। तो ये आपके आ गया आंसर, आ गया आपके क्या हो गए, फाइनल आंसर हो गए। बट स्टिल अगर आप चाहते हो इस ब्रैकेट को ओपन कर इसको भी इंक्लूड करना तो कर सकते हो। तो कुछ बुक में इसके आगे भी थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी कर दी है, ऐसे वन ए वन माइनस ए माइनस वन बाई ए, और इन सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू, क्या हो जाएगा भैया, माइनस टू। ये हो गया आपका एज अ फैक्टर फॉर्म, कौन सा जो क्वेश्चन दिया था वो, यानी इसको, इस वाले टर्म्स को, ये जो पॉलिनोमियल था इसको हमने जो एक्सप्रेशन था एज अ फैक्टर लिख दिया ऐसे। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये आपके थे टाइप्स के क्वेश्चंस, होप सो कि आप लोगों को समझ में ये
लेक्चर अच्छे से आई होगी। और अगर किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है यार, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ सकते हो, या कोई मेरे अंदर कमियां दिखे तो वो भी बता सकते हो, या आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह की तो वो भी आप पूछ सकते हो। आज की लेक्चर बस यहीं तक की थी, तब तक के लिए बाय।